चलो बेटा अभी एक बार के रिविजन कर रहा है, छोटा सा लॉक टेबल से लॉक निकालना। ये देखो अभी इसका लॉक निकालना था, याद है सबसे पहले चार डिजिट नंबर होना चाहिए ये, यानी डेसिमल इग्नोर करके। तो अब यहाँ पे देखो ये अगर दो है तुम्हारे होल नंबर्स के इसमें, तो पहले क्या हो जाएगा वन पॉइंट। अब तुम लोग पीछे जाके लॉक टेबल के इसमें, एंटी लॉक टेबल में नहीं, 9261 का देखोगे, एक बार फट से देखो 9261 का कितना है। 92 का देखेंगे, उससे आगे 6 का देखेंगे। 9667, ठीक है ये हो रहा है क्या, देख रहे चलो आंसर 1.9667। नहीं भाई तूने शायद से मीन वैल्यू कुछ गलत देखा है, मुझको लग रहा है देख मीन वैल्यू जीरो थी तो 1.9666 रहेगी। अब देखो गाइस जैसे मैं आपको उसने बताया ना तीन चार ही डिजिट होने चाहिए, पांच डिजिट्स अगर आ गए तो फॉर एग्जांपल अपने को इसका लॉग निकालना है तो तुम्हारा एक दो तीन चार तो रहेगा, अब इसको अपने को हटाना पड़ेगा तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये 4 6, ये 5 या 5 से बड़ा है तो अपर राउंडिंग होके ये क्या बना देगा इसको लॉग 23.55। तो ये भी 1 समथिंग तुम लोगों को वो तो निकल जाएगा। अब वैसे ही ये देखो बच्चा लोग, अब ये इतना बड़ा नंबर है इसका लॉग निकालना है तो देखो ये एक दो तीन चार तो रहेगा, ये सब जीरोज होने वाले अब तुम्हारे, तो 2016000 तुमने राउंडिंग ऑफ किया है। समझा तुम लोगों को, ये राउंड होके अपर राउंडिंग हुआ तुम्हारा और बचा सब जीरो तुमको करने पड़ेंगे। 20 वाले का कुछ नहीं निकालेंगे मेरे भाई। अच्छा वैसा देख, एक दो तीन चार पाँच छः सात है ये, तो 6.20 के अगेंस्ट 1 और प्लस मीन डिफरेंस ऑफ 6। ऐड किया क्या उसमें मीन डिफरेंस 3032 प्लस 6 का क्या है 6 13। ओ बाप रे 3045, ठीक है 6.3045 आंसर आ रहा है अपना। समझाई चीज़ें क्या हो रही है। अब बेटा अगर यही चीज़ अगर मानो डेसिमल में था तो 0.009 जो चल रहा है इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 3 के ऊपर बार, गुड पॉइंट। अब वो 9 का क्या जाएगा 990 और वो तो बेसिकली 0.009 ये देखो ये दो डेसिमल से दो डेसिमल नहीं डेसिमल क्या दो जीरो थे तो उसमें प्लस वन करना 3 हो गया तो ये 3 के ऊपर बार बार का तो बताता हूँ मैं तेरे को माइनस ही होगा वो बाद में देखते हैं मतलब रुक जा वो नहीं है। अब देखो तेरे को पीछे 9 और आगे 3 जीरो वाले तेरे को देखने पड़ेंगे तो हो रहा है 9542 हो रहा है तो इसका लॉग 0.009 की वैल्यू 3 बार 9542। अब 3 बार का होता है माइनस 3 प्लस 0.9542, इससे जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस का मानना पड़ता है। देखो और एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, जैसे अब ये वाला है ये देखो, अब ये 3 डेसिमल्स थे और 3 जीरो से डेसिमल का तो कितने हो जाएगा वो 4 बार। अब फट से देखो 4250 का पीछे कितना हो रहा है 6, 2, 8, 4, 6, 2, 7, वो कर लिया क्या तुमने, हाँ वो मीन डिफरेंस रहेंगे 6, 2, 6, 2, 7, 8, 4, 6, 2, 7। तुम बिना कपड़े चेंज किए आया करो यार तुम्हारे, नहीं 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 जो भी हो पहले तो वो कोई बात ही नहीं, तो तुमको इसलिए पता नीचे से आ जाओ मेरे साथ 6, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 0 रहेगा तो 6, 2, 6, 2, 8, 4 बोल रहे हैं। तो देख चिराग वैसे इसका मतलब लिखने के लिए ऐसा लिख सकते अपन लोग, इसका मैथमेटिकली फाइनल आंसर का जो चाहिए तो दिस बिकम्स माइनस 4 जिसके बारे में माइनस होता है प्लस 0.6284। समझे जी क्या हुआ है। अब देख जैसे कि अब ये वाला है इसमें कितने हैं तेरे पास डेसिमल्स के बाद में 0, 1, 2, 3, 4 तो 5 बार। अब 3568 सॉरी कर देख वैल्यू पीछे से, हाँ 3568 अच्छा
ठीक है, तो 5 बार 5524 तुम्हारा आंसर हो चुका है। समझ आया था क्या हुआ है? अब देखो, अब तुम लोगों ने लॉग निकालना सीखा है, अब तुम लोगों को एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा मैं। अब एंटी लॉग कब निकालना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है कुछ तो भी कि लॉग एक्स की वैल्यू कुछ 1, 2.34 कुछ है, तो अब बताओ, तो मुझे अब एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो एक्स विल बेसिकली बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1, 2.34, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेगा तू? एक्स किसका लॉग 1, 2, 3, 4 हो रहा है, तो वो तो ढूंढ नहीं सकता ना, तो इसके अंदर चार्ट के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, एंटी लॉग ऑफ 1, 2, 3, 4 अगर मुझे निकालना है, फाइन, तो यहाँ पे कितने नंबर, चलो समझो इसके, इनके एग्जाम्पल से चल लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे एंटी लॉग, ये लॉग ये दिया गया है, अब मुझे एंटी लॉग इसका निकालना है। अब देखो ये मेंटिसा अगर है, तो याद करो जो भी तुम्हारा 4-डिजिट नंबर जो आएगा, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर, उसमें तुम्हारे 3 नंबर के बाद में डेसिमल आएगा। रुको, एक काम करो, तुमको नहीं समझ में आया ना, ये डेसिमल को छोड़ो अभी के लिए, ठीक है। ये तुम 1647 का एंटी लॉग पीछे से निकाल के दो मुझे से, वो डेसिमल के पहले जो भी लिखा हुआ है इसको इग्नोर करो अभी के लिए। 1647 का एंटी लॉग, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, एंटी लॉग टेबल में जाना, लॉग टेबल में मत जाना, एग्जैक्ट सेम तरीके से निकाला तुमको। और एंटी लॉग 1647 का एंटी लॉग, चिराग तू लॉग देख रहा है, एंटी लॉग देख रहा है, हाँ ये हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे 2 क्योंकि था, तो तुम्हारे 3 डेसिमल्स, ये 3 और फिर रहेगा ना डेसिमल, याद करो। चलो एक सेकंड रुक जाओ, इसका अगर मुझे लॉग निकालना था तो मैं क्या करता था, यहाँ पे 3 नंबर्स है तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा 2 हो जाएगा, फिर ये 4 डिजिट चीज को इग्नोर किया, 1461 का मैंने लॉग निकालता था, तो उसका उल्टा करते थे जब अपन लोग, तो आ रहा था 1647 वैसा करके। देखो और एग्जाम्पल देते हैं, तुम टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी चाहिए लॉग 3.1234, ठीक है। तो पहले इसको तो तुम लोग, असली लॉग नहीं, लॉग एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एंटी लॉग ऑफ 3.1234 अगर मुझे निकालना है, तो पहले ये इसको भूल जाओ, तुम 1, 2, 3, 4 का वैल्यू निकाल करता मुझे, एंटी लॉग ऑफ 1, 2, 3, 4। वन थ्री टू एट बोल रहे हो तुम लोग, अगर ये है 3 तो कितने के बाद जाएगा डेसिमल, तो 4 का, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यही मान लो अगर मेरा रहता 4 पॉइंट, ये तो मेरा 5 के बाद रहता था, तो बेसिकली से आगे एक 0 लग गया होता मेरा। समझ में आ रहा है चीज़ क्या हुआ है? जो एक आधा और एग्जाम्पल लेके आया, अब देखो अगर लॉग ऐसा इसमें दिया गया है, अब तुमको एंटी लॉग निकालना है, तो ईजी है तुम्हारे लिए, तुमको पहले वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, इसको तुम इग्नोर मारो पहले, पहले 4856 की वैल्यू निकालो एंटी लॉग में, थ्री जीरो फाइव नाइन हो रहा है। अब देखो माय बैड, 3059। अब देखो ये तुम्हारा एंटी लॉग नेगेटिव नंबर का चल रहा है, तो याद है पहले और जीरो लग जाएंगे, तो यहाँ पे 2 ही 0 लगेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? देखो लॉग निकालना आता था कि इसका चिराग, ये अगर 2 जीरोज़ है तो मैं 3 बार लिखता था और फिर इसका लॉग निकालता था। अब ये है, अगर एंटी लॉग है तो पहले डेसिमल के आगे का ही देख तू अभी क्या, ठीक है ना, उसके हिसाब से तू एंटी लॉग निकाला। अब ये इसके हिसाब से तुमने एंटी लॉग निकाला है, कितने आए तेरे, कितना मेरे को जानिए। अच्छा 3059 था, अगर मान ले यहाँ पे बार नहीं होता, ये बार नहीं है, 3.4856 है, तो बेसिकली को 4 नंबर्स चाहिए तेरे, फिर तो 4 डिजिट का नंबर है तेरे ने, तो तेरा ये आगे 0 ऐसा लग गया होता, बट क्योंकि ये ऊपर बार है मतलब निगेटिव वाले इसका है, निगेटिव है, तो इसमें तेरे को यहाँ पे से 2 इस पर लगाना पड़ेगा, 2 नहीं, यहाँ पे 2 और 0 लगाने पड़ जाएगा तेरे को ऐसे, क्योंकि तूने लॉग इनका तो ऐसे ही निकाला था ना, डेसिमल का कितने 0 थे उसके हिसाब से। समझ मार रहे? देखो अभी गाइस एक और मैं देता हूँ तुम लोगों को, मान लो वो अगर 3 पॉजिटिव रखते क्या होता था,
थ्री पॉजिटिव अगर रहता बेटा यहां पे तो 3059 ही आंसर होता बस। वो देखना क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं है, बस ये है, मतलब देखो चार स्पेसेस चाहिए डेसिमल के पहले, चार डिजिट, ठीक है। अब मुझे 1 बार 3412 का देखो, देखो पापियो, 1 बार 3 2194 आ रहा है इसका, 3412 का 2914 आ रहा है। अब देखो 0.2914। अब यही अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता तो यहाँ पे कितने जीरो आते हैं, ट्रिपल जीरोस आ जाते थे, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे को यूज टू हो जाएगा, इसका इतना स्ट्रेस मत लो, तुम एक बार देखोगे ना लॉग एंटी लॉग निकालना हो जाएगा। अब देखो भाई पापी ये था, हाँ ये था बेटा पापी, देखो लॉग एक्स की वैल्यू ये दी गई है तुम लोगों को, तुमको बार के फॉर्मेट में नेगेटिव वाला नहीं दिया गया है। तो वैसे ये लिखा हुआ क्या है, -1 -1 -0.2357 लिखा हुआ है ये, हाँ। तो -1 इसके आगे देखो, इस लोगों ने कितना अच्छे से तुमको करके दिया हुआ है, -1 +1 -1 कर लो उसको, ये देखो ये तुमको जो भी दिया हुआ है +1 -1 किया अभी मैंने, तो देखो अब ये क्या हो रहा है, इससे -1 -1 मिला के कितना हो गया मेरा -2। अब ये देखो ये मेरा डेसिमल को पॉजिटिव कर देगा, मेरे को डेसिमल को पॉजिटिव करना था, तो देखो +1 -0.2357 7643 करेक्ट, हाँ 7643 हो रहा है बेटा ये मतलब, तो अभी -2 काटा के ऐसा कर रहा हूँ मैं इसको, नहीं समझा मुझे पता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जा 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 रुक जा। देखो तुम्हारा कुछ मान लो, ये जो लिखते थे 1 बार 2345 मान लो, तो बेसिकली ये होता था -1 +2345, तुम्हारा जो डेसिमल पार्ट होता तुमको वो पॉजिटिव में रखना पड़ता था। अब देखो अब थोड़ा चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे लिखा है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू ये, क्या वो कन्फ्यूज मत हो जाना, दीज आर नॉट टू इक्वल थिंग्स, नो। अब ऐसे समय ना पहले इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, -1 -0.2345 है, तुमको इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तुमको हमेशा -1 +1 करना पड़ेगा। तो देखो ये ओवरऑल तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो कितना बन रहा है तुम्हारा 1 -0.2345 10999 ये हो रहा है 0 7655, ठीक है। और ये होता -2, देखो -2 +0.7655 हो रहा है, जिसको तुम 2 बार 7655 लिख सकते हो। अब इसका एंटी लॉग निकाल सकते हो तुम लोग, समझे जी क्या हुआ है। एक और देखो, नहीं डेसिमल का 40 डिजिट है ना, डेसिमल के पहले का मैं देखता ही नहीं हूँ इसमें। देखो एक और बार देखो 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 गाइस देखो, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा उससे वैसे, अगर जब निकालूंगा तुम्हें, मान लो 4.1563 कुछ है, -4.1563 चिराग जान दे, पहले इसका मतलब तुम लोग खुद के लिए समझो क्या होगा, -4 -0.1563 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हमेशा माइनस, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, ठीक है ना। अब ये मिला है कितना हो रहा है -5, और ये मिला है कितना हो रहा है मेरा, तो 1 1 2 3 4 8437 हो रहा है क्या, तो ये 0.8437 हो रहा है मेरा, हाँ। तो -5 को मैं लिखूँगा 5 बार 8437, समझा जी क्या हुई है, हाँ। मैंने अपने मन से लाया +1 -1, तू कोई भी नंबर है जहाँ 10 है उसमें +1 -1 करेगा और 10 ही रहेगा ना, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे कि ये वाला नंबर का एक बार आप लोग पहले मुझे वो बार वाले फॉर्मेट में लिख के दो, ये वाला नंबर को खुद से ट्राई करके +1 -1 करके बार वाले फॉर्मेट में लिख के दो, एक आगे तो गेम ओवर, उसके आगे तुमको मेहनत नहीं लगने वाली है।
नहीं पहले उतना ही निकाल लो, फिर अपन एंटी लॉक तो निकाल लेंगे। रुक जाए एक बार, बच्चे लोगों का जान दे। देखो एंटी लॉक भी निकालना, फिर निकाल के रख ले। किसी और की बुक मार ले। तूने भी मिटा हुआ आंसर लिखना फिर। हाँ स्पर्श बोलो। हाँ जाऊँ क्या, तू मना करूँगा तो नहीं जाएगा, ऐसा है तो फिर मत जा। हाँ तो मैं वही बोल रहा, तो तू पूछ क्यों रहा है? पर भाई वीडियो देख लेना, और मेरा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होने वाला है बेटा आज, और स्टैटिस्टिक्स गलती है स्टार्टिंग का मिस हो गया तेरा, इन्हें वीडियो नहीं देखा तूने, तो आगे का तेरे को कुछ भी समझेगा नहीं, और स्टैटिस्टिक्स का वेटेज भी बहुत हाई रहेगा तुम लोगों को, 20 मार्क का है। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है। और साथ ही साथ में हाँ आज आज होगा बेटा, तेरी मैच से पहले स्टार्ट हो जाएगा, या तो तुम इतना बुरा हार जाओ कि जल्दी मैच खत्म करके तुम लोगों को कर लो, या इतना बुरा मार दो उनको कि वो लोग जल्दी से भाग जाए। ठीक है स्टैटिस्टिक्स का समय, चल 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 बाय, चल बेस्ट ऑफ लक, चल भाग यहाँ से। हाँ देख ये इसको तो लिख सकता है -1 -0.2357, यहाँ पे +1 -1 करना पड़ता है अपने को। इसको सॉल्व करेगा तू, ये तो -2 हो चुका है, वो कितना है 1 -0.2357 की वैल्यू कितनी आ रही है तेरी, 3 4 9 में से 3 क्या कहता है 6, 9 में से 2 क्या 7। ठीक है मैं सप्राक कर रहा हूँ 1 -0.2357, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही तेरे को पकड़ा? अच्छा ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, सप्राक करके दिखाऊँ तेरे को, पगला हो गया क्या बे? 2357 ये 10 था, 9 9 9 0, 3 4 6 7 क्या हो गया तेरे को? ये हो गया। तो अब देख इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, 2 bar 0.7643, समझाए तेरे को क्या हुआ ऐसे? अब इसका एंटी लॉग निकालना तुमको, कायम है इसकी वैल्यू रहेगी 0.7643 लॉग, एंटी लॉग तेरे को निकालना पड़ेगा अभी इसका, तेरा एंटी लॉग निकलने का है ना। अब देख एंटी लॉग निकालने के 7643 का कितना आ रहा है, 5812 आ रहा है, यहाँ पे 2O है, तो देखो कितना डेसिमल डालना पड़ेगा, 1 0 डालना पड़ेगा और, तो ये ऐसा हो गया। एक और ट्राई करो, रुक जाओ यार। अब देखो एक बार के लिए 3 bar 1456 ट्राई करो इसको, चिराग कर इसको, 3 bar है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो तुम्हारे फुद्दू वाला हो जाएगा ना। हाँ सॉरी -3 -3.1456 ट्राई करो इसको, जाए बारू जा। हाँ बेटा मेरे को पता नहीं बच्चा, मैंने अभी तक करवाया है, वो नहीं कैसे मुझे उसका एंटी लॉक निकालना है। जा पहले तेरा ये क्या हुआ है, 4 bar आगे 8544। हाँ ये सही है। अब तूने 8544 का एंटी लॉग निकाला चिराग, कितना आया? सर मुन्ना भाई बन के भी घूम रहा है आज,
गोल्डचेन वोल्डचेन मतलब मुन्ना भाई बन गया घूम रहा था। अच्छा हाँ अच्छा 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 मेरे कारण। हाँ ठीक है आगे। हाँ क्या 7152 था तेरा ये। अब ये 4 बार है तो कुछ 3 जीरो चाहिए। हाँ बिल्कुल एक नंबर ऐसे एक नंबर होल्ड कीजिएगा। गेटिंग हाँ गाइस सॉरी अरे मूवी गलती से निकल गया। मूवी तो शुरू है ये हमारे सामने हो रही है। चलिए मैं मैच देखने जा रहा हूँ घर पे किसी के। पहली वाली आज की थुरजन पड़े अभी पूरी पंचायती क्या बन रहा है बेटा ये क्या बन रहा है भाई। अच्छा वो घर के बाजू में आनंदन काजू में वो क्या कमर्शियल ब्लॉग बन रहा है वैसे। चलो चलो कोई बात नहीं। अब गाइस सुनो बच्चा लोग ये चीज ना मुझे ऑब्वियसली पता है अभी जम रहा है तुमको कल भूल जाओगे तो मैं तुमको बेस्ट चीज बताता हूँ इस चीज की क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही नहीं हमारे साथ जो होती थी। तुमको सिर्फ क्या करना है तुम एक और बार जब कल भूल जाओगे ना तो इस सॉल्ट एग्जाम्पल देखना एक समझेगा फट से तुम्हारे को वो जम जाएगा ठीक है। और एग्जाम के एक दिन पहले भी तुमको वही करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तुमको गारंटी बता रहा हूँ तुम में से 80% बच्चे ऐसे है एग्जाम में घुसने के पहले एक बार करके घुसेंगे अभी कैसे करते देखने दो। तो वो चीजें बहुत कॉमन है यार दिस इज नॉट समथिंग कि यार तुमको अभी याद कैसे नहीं हो रहा है। तुमको मैं बताऊं एक चीज मैं क्लास के पहले देख के आया हूँ कैसे करते हैं। मैं क्लास के पहले मैं भी देख के आया हूँ कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रिंट बैठ गया है दिमाग में वो यार वो स्टूपिड सा है लॉक कैसे निकालना एंटी लॉक कैसे निकालना नेगेटिव का कैसे करना इट टेक सम टाइम टू गेट इट्स प्रिंट बट एक बार हो जाए तुम लोग कुछ समय के लिए याद होता है। वो यही है कि तुम लोग इतने बाहर यूज नहीं करते ना इसे तुम्हें याद नहीं होता। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है ठीक है वैसे मैं ऐसे मत याद आ ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर याद आ रहा ठीक है। मुझे ए प्लस बी होल क्यू की आइडेंटिटी करा दो गलत है तुम लोग क्यों गलत होती है आइडेंटिटी पता है क्या। एक तो तुम लोग कोविड बैच के आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोगों ने कंपेरेटिवली बहुत कम यूज किया नॉन कोविड बैच वालों को भी ना ये आइडेंटिटी यूज थोड़ी इशू आ जाती है क्योंकि तुम ए प्लस भी बोलते हो बचपन से यूज करते हो तुमको रेगुलर कई बार देखने मिलते तुम उसको कई बार खोल देते हो जिसे तुम्हारा आ जाता है उसके आंसर। ए प्लस बी होल क्यूब तुमको सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में एक बार वो चैप्टर में काम आई थी 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में एक दो जगह पे काम ना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटी मोटी काम ना भी तो आ गई 11th में छोटी मोटी जगह काम आई इसलिए तुम लोगों को रटी भी नहीं रखनी इसको। वो अगर मैं पूछूंगा फैक्टराइजेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फैक्टर तुमको जितनी बार तुम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हो यही तुम्हें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले को फैक्टराइज करने का भी बोलूँ ना तुम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के तरफ भागना शुरू करते हो। मैंने मान लिया अगर मैंने चेक को ये बोला कि मुझे ये भी फैक्टराइज कर दे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन क्या बोलेगा तू फटे को बेटा किसी को आवाज ही नहीं आ रही क्या मेरी सुकृत आवाज आ रही है क्या। हाँ यस देखो ये तुम लोग फट से फैक्टराइज करके एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री कर लेते थे ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इसमें क्या करोगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेक्ट। और यही मान लो अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इसका या तो स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अबे ये एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है
तुमको आदत ही नहीं होती हो देखने की कि होल स्क्वायर है नहीं है, विच इज फाइन, तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आंसर आएगा। अगेन क्यों नहीं है कि तुमने टेंथ में इतनी बार, ये तो तुमको देखने की बहुत बचपन से आदत थी, और ये अगेन तुमको इतनी आदत हो गई है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की, यू डू नॉट इवन थिंक, विच इज फेयर। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, हाँ, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है ना, सेम ही चीज होती ना, दोनों से माइनस थ्री हो रहा है, समझा ये चीज। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम लोग ये इतनी बार देखते हो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, वो लॉग एंटी लॉग निकालने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड है वो, बट वो तुम इतनी यूज ही नहीं करते हो कि तुमको याद रहे। अभी वो इलेवंथ ट्वेल्थ वालों को जब हमको कराना रहता है तुमको वापस सिखाना पड़ा उनको, अब यही मुझे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का फैक्टराइजेशन नहीं सिखाना पड़ रहा, ना मुझे ए एन का फॉर्मूला उन्हें सिखाना पड़ रहा था, ऐसे ने एक बार जस्ट थोड़ा सा बताया तुमको, हाँ याद आ गया, इन्फिनिटी वाला भी याद आ गया तुम लोगों को। तो वो यही है तुम कितनी बार यूज़ करके अपने दिमाग में प्रिंट बैठा रहे हो, तो अभी उसमें बहुत स्ट्रेस मत लो कि मुझको आ ही नहीं रहा है, मुझको रट नहीं रहा है वाला, ठीक है ना। ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है, वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, वो दूसरा होता है, वो फैक्टराइजेशन केस में वो इसमें आ जाता है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स होता वो इधर छोड़ दे, ध्यान देना इतना यूज में नहीं आएगा, कोई नहीं। चलो अब देखो गाइस, अपन लोग ना अब ये सब कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करने वाले हैं, परफेक्ट। इसकी वैल्यू देखा जाए तो 0.3 हो रही है, सबको पता है, बट अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू, चलो ये तो बहुत ईजी आ गया, चलो इसकी वैल्यू बता दो, नहीं है अब एकदम से नहीं जमेगा ना ये चीज़ें, तो तुम लोगों को अब ये चीज़ है, अगर तुमको फास्टर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर नहीं है और लॉग टेबल अगर हाथ में है तो उससे करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चा लोग, पहले तो ये है अपना, तो पहले x इज इक्वल्स टू 0.009 की पावर 1/3, जो भी दिया उसको x मान लेना। अब दोनों जगह पे मैंने log लिया है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा मेरा, log x इज इक्वल टू 1/3 log 0.009 हो रहा है मेरा, करेक्ट। अब देखो, अब मैं log 0.009 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, निकाल कर दो तो मुझे log 0.009 की वैल्यू, 1/3 टाइम्स 3 बार आगे पॉइंट 9 का 90 के अगेंस्ट 00 का देखा 9542 हो रहा है मेरा। अभी रुक जाओ, बहुत चीज़ें करनी है इसके अंदर बच्चा, बहुत फालतू का ये चीज़ है। अब देखो 1/3 ये हो जाएगा -3 प्लस 0.9542, हाँ तो ये कितना हो जाएगा -2 पॉइंट, बताओ भाई कैलकुलेटर के, इतना अच्छा होता मेरा कैलकुलेटर, 0.458 सही बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसका 1/3 अगर कर रहा हूँ मैं तो वो कितना आ रहा है 0.6 एंड नेगेटिव ऑब्वियसली 0.68193 कुछ आ रहा है, ये हुआ तुम्हारा log x की वैल्यू। अब x के लिए तुमको इसका एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ ये, हाँ तुमको मेरे को पता है बहुत फालतू ये चल रही है, ठीक है। अब देखो एंटी लॉग ऑफ -0.68193, अब उसके लिए एंटी लॉग ऑफ वो -1 + 1 करोगे तो उसे 1/3187 आ रहा है, अब एंटी लॉग लगाओगे तुम्हारी वाली आएगी, हाँ देखो गाइस ये तुमको अभी जितना अजीब लगा है उतना अजीब है, एक बार ट्राई करो तुम लोग, नहीं तो वो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है बेटा। अब ये क्या है ना, तेरा बहुत छोटे से नंबर्स थे इसलिए तेरा को बहुत दूर दूर दिख रहा है, 0.2083 एंड 0.3 बहुत दूर दूर हो रहा है तेरे लिए, बट दिस इज एक्सेप्टेबल लॉग और एंटी लॉग से निकाल के, एक बार खुद से करो तुम लोग, ठीक है ना, मिटाने का है ही क्या, तू देख कर क्या लेगा बच्चा। मैंने ये डिवाइड किया इसको इससे, मैंने बेटा क्या किया, ये 1/3 डिवाइडेड बाय -0.20458 डिवाइड बाय 3 किया है मैंने, तो 2.0458 डिवाइड बाय 3 तो 0.6 8
वन एट, ये ऐसा आ रहा था बच्चा मेरा, ठीक है, विद अ नेगेटिव, तो माइनस 0.6819, क्योंकि इससे करूँगा बच्चा अगर मैं तो हो जाएगा मेरा, चल ये वाला इसने ना ये यहाँ से किया, अपन वैसे नहीं करा करेंगे, मैं पहले ही बताऊँ तुम लोगों को, ठीक है ना, अपन लोग पहले ये वैल्यू प्रॉपर निकालेंगे, तो जाएगा प्लस वन माइनस वन, तो 1/3181 हो रहा है, ठीक है, उसका 3187 आ रहा है क्योंकि उसने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, तुम इससे करके देखो फट से आंसर। हाँ बच्चा 3 बार, नहीं नहीं अपना 1 बार हो जाएगा ना बच्चा, उसने ये यहीं पे जो था उसने अजीब किया हुआ है, तो उसका मत देख, नाइन फाइव फोर टू ना बच्चा, 3/9 के अपना 4 डेसिमल सके कर रहे थे ना वैसे भी, तो अपना आंसर जो लॉग में भी देख रहा था, तो ये 9 का तूने लॉग निकाला तो तेरा आया 9542, समझाए तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, तू मेरे को एक समझो बेटा, मीटिंग एंड हो रही है, रीजॉइन फट से करो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ पूरा एक बार, ठीक है ना, मैंने तो इसको एक्स मारा था फिर लॉग लिखा था, तो 1/3 लॉग 0.009 आया था, 0.009, हाँ अब लॉग ऑफ 0.009 डेसिमल जो वो आ जाएगा 3 बार, वो डबल जीरो जो थे डेसिमल के आते फिर 9 का आगे का लॉग निकालते थे ना अपन लोग, या बाबा मैं सुना नहीं, सॉरी सॉरी नहीं ना हट पागल, देखो तुमने ये x माना था इसको, तुमने log लिया तो log x इज इक्वल टू log ऑफ ये रहेगा जो कि 1/3 टाइम्स log ऑफ 0.009 हो रहा था, तो log x की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय log 0.009 की वैल्यू के लिए 3 बार पॉइंट, वो 9 का log कितना है तुम्हारा 9542, अगर तुम इनके तरीके से देखना चाहते हो ये लोग जैसा कर रहे हैं, नहीं वैसे देखो उसमें तुम्हारा ना एक बार की मेहनत बच रही है, इसे देख लो तो ना -3 + 0.9542 हो रहा है वो द होल ओवर 3, ठीक है, तो वैसे देखो ये यहाँ पे आ रहा है वो हमेशा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मत ही करो तुम लोग, अपने वाले तरीके से करो प्लीज़, ठीक है ना, 1/3 ये हो रहा है अपना कितना -3 + 0.9542 हो रहा था बच्चा लोग, तो वो जाएगा -2.0458 हो जाएगा मेरा, ठीक है, अब इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वो हो रहा है बच्चा लोग कितना मेरा, ये देखो ये log x चल रहा है अभी भी, ठीक है ना, तो log x इज इक्वल टू -0.6819 कुछ आ रहा था, ये मेरा log x की वैल्यू हो रही है विच इज देन बिकमिंग इक्वल टू व्हाट, log x इज इक्वल टू 1/0.3181, ठीक है, अब तुमको x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3181 निकालना है, तो 1 बार को तभी के लिए अपन लोग इग्नोर मार रहे हैं, किसको बच्चा मैं समझाने पसंद, हाँ तो मैंने +1 -1 किया ना बेटा, समय हो जाएगा 0, मैंने -0 -0.6819 था, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, तो ये -1 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 0.3189 सॉरी, ये 3189 नहीं 3181 माई बैड, ठीक है, तो बस 9 का लॉग निकालना, 90 के अगेंस्ट 0 और कॉमन वो मीन डिफरेंस 0, देखा कर तेरे को सिर्फ लॉग 9 दिया हुआ है ऐसा समझ ले, तो तेको ये देखना पड़ता था ऐसे समय पे, तो को 4 तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना 9 के आगे, तो उससे तो 000 आगे माना, तो 90 के अगेन 0 और मीन डिफरेंस 0 वाला देखना पड़ेगा तेको,
गाइस समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? और फिर ये एंटी लॉग इसका कुछ 0.23 क्या आ रहा है, 0.2083 आ रहा है कुछ, टेबल दिया हुआ रहेगा तो पूरा प्रिंट है, जो जितने टेबल का काम पड़ने वाला उतना टेबल तो को बना के दिया हुआ रहेगा उन्होंने। एक बार देखो अभी, एक बार के लिए चलो, एक क्वेश्चन थोड़ा तुमको भारी का पड़ रहा है एंड वो लॉग है इसका, एक बार मेच्योरिटी के लिए अपन लोग सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं, बोलो कौन सा पहले करना है? सेकंड करते। चलो अपन ने पहले इसको एक्स इज इक्वल्स टू ये माना था, अब लॉग लूंगा, ये देखो ये एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ लॉग लिया तो 1/2 लॉग 42.87 प्लस लॉग 84.9 माइनस लॉग 0.234 हो रहा है। अब देखो पहले लॉग 42.87 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो देखो ये दो नंबर है डेसिमल केस में, हाँ तो वो कितना जाएगा 1/2 टाइम्स 1.1 ठीक है ना, और 4287 का लॉग कितना होता है देखो फट से, वो नहीं देखो ऐसा लग रहा है बेटा जो कंप्यूटर में कैलकुलेशंस होते हैं जब अप्रोक्सीमेशन चलते हैं तब वो लोग यही करना पड़ता है उनको, क्या 6321 ठीक है प्लस ये कहता है 84.9 था ना मेरा, तो यानी 1. देखो 8490 का लॉक कितना हो रहा है तुम्हारा, क्या 9289 माइनस, अब ये देखो ये 0. है तो 1/ मुझे 2340 का लॉग दिखे तो कितना होगा 3692 ठीक है, ये सब कुछ भी लॉग एक्स का चल रहा है तो लॉग एक्स की वैल्यू देखो 0.81605 प्लस 1.9289 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 0.36 क्या था बच्चा वो 9 2। अब देखो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.81605 प्लस 1.9289 प्लस 1 माइनस 0.3692 होगा 3674 तक, ठीक है। अब देखो इनको सबको मैं ऐड वाले को कर रहा हूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 1.81605 प्लस 1.92890 तो 5914 प्लस 1 4 17 प्लस 1 ये हो गया 3.74495 माइनस 74495 माइनस 0.3674 ठीक है, यहाँ तक है 14 13 6 3.3 7 7 5 5 था ने, हाँ तो अब राउंड ऑफ किया था 5 6 कर लो इसको, ये हो गया। अब देखो तुम्हारा लॉग एक्स की वैल्यू 3.776 चल रही थी, क्या बच्चा नहीं बच्चा जरूरत ही नहीं पड़ रही है तेरे को अभी, देखो ये हो गया x log x इज इक्वल टू 3.376 ये हुआ तुम्हारा log x, तो x इसका एंटी लॉग हो जाएगा, 3 पॉइंट है बस तुम्हारा जो भी आंसर आएगा 3776 का निकालो, 3776 का एंटी लॉग उसे चार प्लेसेस का आंसर रहेगा 3776 2385 हो जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर। अब देखो उसका भी इसके आसपास में ही आया है क्या, होपफुली 2375 आ रहा है ठीक है, 3758 था ना अपना, 3776 है उसका 3758 आ रहा है ठीक है, नहीं ना बच्चा 3 है ना यहाँ पे तो अपने को चार नंबर्स चाहिए था ना जब एंटी लॉग निकाल रहा हूँ तो मैं, तो इसके आगे जीरोस आना शुरू हो गए ना मेरे, समझ आई चीज़। तो गाइस देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये कॉम्प्लिकेटेड ना, ये यहाँ तक के बनाना नहीं है, उसके बाद तुमको लॉग लॉग निकालने में तुम कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है,
एक बार ना थोड़े रिलैक्स माइंड से बैठोगे तुम लोग जब, तो हो जाएगा। तो अभी मैं बस तुम लोगों को बचे हुए एग्जाम्पल्स दिखा दे रहा हूँ, तुमको खुद से करना है वो। फाइन बेटा, स्टार्ट तक मैं शुरू नहीं करूंगा, मुझे चलता है, मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। और 20 मार्क का अगर स्टैट्स है, ठीक है, तो देखो तुम्हारा परसों है 23rd को तो होने वाला है क्लास, तुम्हारे वजह सैटरडे संडे को भी लेना ही पड़ेगा, और मेरा अभी रोज 1.5 घंटे के क्लास चलने वाले हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ। उसके बाद में भी मैं तुमको बता रहा हूँ, उसके बाद में भी तुम्हारी एग्जाम के पहले कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है अगर मैं रोज लूंगा तो। नहीं तुम्हारे बीवीएम, ठीक है, मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुमको मैं पढ़ाऊँ तो। वरना अगर तुम्हारी स्कूलों ने जैसा करवाया हुआ है कि ये चैप्टर तुम खुद से कर सकते हो, तो उसके नाम पर तो मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगा स्टार्ट, कि ये तो तुमको आता है। सब समझेगा अगर तू 2 मिनट का ब्रेक लेके कर लेगा तो भी, तो वो दिमाग में फालतू पने मत रख। तो अगर यही अगर एग्जाम के एक दिन पहले होता तो क्या करता, करता ना। तो ये तो छोड़ना, वो और ये कनेक्टेड होने नहीं वाला, तो तू क्यों दिमाग में रख रहा है। एक बार के लिए तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देख लो, ये देखो अब ये ना इसमें 8th स्टैंडर्ड का तुमको कंपेयरिंग क्वांटिटीज था जो तुमको याद नहीं है, मुझे पक्का पता है, ठीक है ना, पक्का मुझे पता है तुमको याद नहीं है। बट तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये याद है क्या, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 की पावर n। ये अगर नहीं याद है तो याद रखना पड़ेगा कि तुमको कॉमर्स में आने वाला है बहुत बार, ठीक है ना। वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 होता था, ठीक है, मुझे इसमें से अमाउंट निकालना था तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेता था मैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बट अब एक और चीज बता रहा हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तब फॉर्मूला है जब कंपाउंडिंग एनुअली था। अब ये अगर सेमी एनुअली अगर हो रहा है तुम्हारा, यानी हर साल 2 बार अगर हो रहा है, तो तुमको रेट को आधा करना पड़ जाएगा और नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो उसको डबल करना पड़ जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, मतलब देखो तुम्हारा फॉर्मूला तुम लोग बस ये याद रख लो। अब क्या दिया हुआ है, तुम्हारा कैलकुलेटर कंपाउंड अर्न ऑन 10,000, तो प्रिंसिपल तुम्हारा 10,000 हो रहा है, टाइम पीरियड 20 साल है, सॉरी 10 साल क्या भाई, 10 साल है, और रेट तुम्हारा 8% है। पर जैसे ही उसने बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो तुम्हारे नंबर ऑफ ईयर्स जैसा जो था, तो ये इंटू 2 करना पड़ेगा और ये डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 टाइम्स तुम लोग जा रहे हो, इन्हें कंपाउंडिंग होने वाला है और रेट उसमें 4% लगने वाला है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा कंपाउंडिंग हो रहा है, वैसे समझ ले यू में से इंस्टॉलमेंट, वैसे आई एम नॉट श्योर वो सही वर्ड है क्या, नंबर ऑफ टाइम्स तुमको कंपाउंड करने का मौका मिला है। अब यही अगर मान लो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता था, तो ये इंटू 4 होता था और ये डिवाइड बाय 4 होता था। तो देखो अभी तो तुम्हारा उससे की है, तुम्हारा ये वैल्यू आया है, अब ऑब्वियसली तुमको इसकी वैल्यू निकालनी आती नहीं है विदाउट कैलकुलेटर, बट तुम लोगों को अब इसको ये ए है, लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे, वो करोगे, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। समझा जी क्या हुआ है, हाँ तो क्या 8वीं का थोड़ी क्वेश्चन है कि यहाँ पे छोड़ देंगे अब तू। अरे यार देखो ये एक फालतू का चैप्टर है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, तुम्हारा इतना डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स, तुमको ये एक दो कॉन्सेप्ट का इशू आ रहा है। इसके पहले टेल मी दिस थिंग, तुम लोगों ने कौन से चैप्टर्स किए हैं, सेट सिंपल था, चिराग को पता नहीं क्या नहीं आता उसके अंदर का, AP सिंपल नहीं था पर इंटरेस्टिंग था, GP इंटरेस्टिंग था, उसके बाद में और कौन से थे चैप्टर्स हमारे हुए, PNC वाले, हाँ नंबर्स, अगर नंबर्स अगर फुद्दू थे वो तो, पर तुम लोगों को जो याद नहीं है कि तुमने गो थ्रू नहीं किया है। क्रिश तुमने अभी के एग्जाम के लिए तुमने AP वाला किया और सेट्स एंड रिलेशन किया, वो इजी लगा तुम लोगों को, तुमको अगर AP और AM आता है तो GP वैसे तुम्हारे लिए इजी है, और उसके बाद में तो फुद्दू सा नंबर्स वगैरह जो किया उसे तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये जो तुमको लॉग एंटी लॉग परेशान कर रहा है उसमें तुमको एक्सपोनेंट्स ने इतना इशू नहीं क्रिएट किया, तुमको ये वाले पार्ट में भी लॉग में प्रॉपर्टीज ने बॉदर नहीं किया, तुमको इंटरेस्टिंग लग रहा था, तुमको लॉग टेबल यूज करना इरिटेट हो रहा था, विच आई कैन अंडरस्टैंड वो इरिटेटिंग है, और तुमको इतना प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो वो पार्ट छोड़ दो। आया अगर क्वेश्चन 3 मार्क का तो 3 मार्क गए, ये पक्की बात है, और वो देखना बहुत आसान है टेबल, तुमको बता रहा हूँ, तुम वो बेवजह के लिए छोड़ दोगे। तुम एक बार का देख लो, इसका अपन रिवाइज करते हैं कल वापस से, ठीक है, बट एक बार का देख लो हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये देखो गाइस, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज गिवन आफ्टर गिवन वर्ल्ड इन टी ईयर्स आफ्टर ये इज गिवन बाय ये फॉर्मूला, कुछ वे फॉर्मूला दिया हुआ है मुझे 229 में बताओ, तो मेरे टी की वैल्यू कितनी हो रही बच्चा लोग इसके अंदर, 19 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक है। अब मैंने यहाँ पे 19 डाला है, अब मुझे पॉपुलेशन निकालना है,
तो 4.7 1.02 की पावर 19 बिलियन है ये, ठीक है, खत्म। लॉग लगाऊंगा, एंटी लॉग लगाऊंगा, उससे आंसर निकालूंगा। सेम चीज गाइस, ये यहाँ पे वैसा ही है। तुम लोगों को ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है माइनस होता था, तुम लोगों को आया है कि अभी तक कैमरे इसमें अकाउंट्स में आ गया डेप्रिसिएशन वर्ड वगैरह, हाँ, तुम्हारा फिर वो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले की वैल्यू थी 1 माइनस जो भी रेट अपॉन 100 की पावर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा। तो ये देखो, ये 10 हो रहा है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तुम्हारा कितना है, 7% है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 80,000 है, 8 लाख है, कहते हैं 8 लाख है, 1-2 नहीं, हाँ 8 लाख, 1 माइनस 0.07 यानी 0.93 हो रहा है की पावर 10, तुमको जो भी डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला आता है तुम वैसा लगा के। अब इसकी वैल्यू निकालने के तुमको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा ना मेरे भाई, समझा के बेटा। लॉग लेगा ना तो लॉग 8 लाख प्लस वाह कहते हैं 10 टाइम्स लॉग 0.93, फिर जो भी वैल्यूज आ जाएगी है बेटा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँ, परेशानी वाला नहीं है। सेम गोज विद एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। अब सुनो सुनो, मैं तुमको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बच्चा सब बाहर में जाए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तुम लोग कल, अभी तो हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं, कल क्लास में आने के पहले ना एक बार अपने आप को सिर्फ लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना, मैं कंफर्टेबल करके आऊँ स्कूल में बैठ के, घर पे नहीं स्कूल में बैठ के, वो टेबल देख देख के जो तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल्स जो दिए हुए, थोड़ा टाइम लेगा बट फिर वो हो जाएगा। जब वो हो जाएगा ना तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अपन एक और बार देखेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल नंबर 6 बहुत अच्छा है, ये आईबी के बोर्ड क्वेश्चन, आईबी के इसमें ऐसे वाले पार्ट बहुत बार पूछते हैं, ये लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा नॉट वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ अपन कल देखेंगे, फाइन, एक समय दे दो।